यूक्रेन पर हमले का 25वां दिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बंधक बनाने की तैयारी। यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना को पुतिन ने आदेश दिया है। पुतिन ने जेलेंस्की को बंधक बनाने का आदेश दिया है। वहीं रूसी सेना ने 8 स्कूल पर बम बरसाए। यहां 400 यूक्रेनी छिपे थे, ज्यादातर मलबे में दबे। रूस ने माइकोलाइव में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में एक फ्यूल स्टोरेज तबाह किया। तो वहीं तुर्की का बयान भी सामने आया और कहा कि जेलेंस्की भले ही चाहें लेकिन पुतिन बातचीत को तैयार नहीं है। तो जेलेंस्की ने कहा भी कि पुतिन से वो आमने सामने बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अब तुर्की का बयान आया है और कहा है कि जेलेंस्की भले ही चाहें लेकिन रूस यानी कि पुतिन बातचीत के लिए आमने सामने तैयार नहीं है। तो यूक्रेन पर हमले का 25वां दिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति को बंधक बनाने की तैयारी है। यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना को पुतिन ने आदेश दे दिया है। पुतिन ने जेलेंस्की को बंधक बनाने का आदेश दिया है। वहीं रूसी सेना ने 8 स्कूल पर बम बरसाए हैं और यहां 400 यूक्रेनी छिपे थे, ज्यादातर मलबे में दबे हैं। रूस ने माइक्रोलाइव में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे हमला हुआ है। रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में एक फ्यूल स्टोरेज तबाह किया। तो वहीं तुर्की का बयान भी सामने आया है और कहा है कि जेलेंस्की भले ही चाहे लेकिन पुतिन बातचीत को तैयार नहीं है। तो लगातार 25 दिन से यूक्रेन पर हमला हो रहा है, लगातार मिसाइल दागी जा रही है, बमबारी हो रही है और अब हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है, जिसको लेकर रूस ने माना भी है कि इस मिसाइल का उपयोग किया गया है यूक्रेन के खिलाफ। वहीं अब बड़ा बयान, बड़ी चीज निकल कर सामने आई है कि जेलेंस्की को बंधक बनाने के आदेश रूसी सेना को दे दिए हैं। पुतिन ने ये आदेश दिए हैं। जहां जेलेंस्की ये कह रहे थे कि वो पुतिन से अब आमने सामने बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि उनके लोगों का ये सवाल है, उनकी जनता का ये सवाल है, लेकिन अब जब जेलेंस्की को बंधक बनाने के आदेश दे दिए हैं तो क्या और दूसरे देशों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि आर्थिक मदद जो है वो अमेरिका की तरफ से भी दी जा रही है।